Hello guys, welcome back to my channel. Hope you're having an amazing day. Now guys, I walk around Ljubljana Castle ki taraf, jo ki yahan se 280 meters ki walk hai, jo ki almost bolunga 10-15 minutes ki walk, zyada dur nahi hai. To ye main gaya tourist information center aur wahan se main le liya tha local tourist card le liya tha maine, jo ki mujhe pada 31 euro ka, jo ki expensive nahi tha kyunki isme sari attractions included hai, jo ki hai wo is tarike ka. तो अभी का प्लान ये है कि इस कार को यूज़ करूँगा मैं. तो ये कार्ड जो है 24 आवर्स के लिए वैलिड है. तो डिपेंड करता है इस कार्ड को यूटिलाइज से कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अगर मैं ब्लॉक कर रहा हूँ तो यूजली ज़्यादा टाइम लगता है कि कैमरा स्वॉप करो, बैटरी चेंज करो, दूसरी चार्जिंग पर लगाओ, सब अच्छा टाइम वेस्ट होता है. तो ट्राई करूँगा जो भी मैक्सिमम चीज़ें आज कवर हो सकती हैं उसको मैं कवर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा. और मेरी बात करते सांस फूले तो मैं अपॉलोजाइज करता हूँ क्योंकि थोड़ा तेज़ वॉक करना पड़ेगा आज मेरे को बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए. Now guys, we're in Poznan, Ljubljana Castle. पता नहीं कब पहुँचेंगे. चढ़ते हैं सीढ़ी चढ़ के, थक गया हूँ. ऊपर सीढ़ी ऊपर तक जा रही हूँ और वैसे व्यू जो है बहुत ही डेडली है. Now guys, यहाँ से अभी स्टीप चढ़ाई है यहाँ से कासल तक की, पता नहीं कितनी लगेगी. मेरी उसी सांस फूलने लग गई है और बंदर ने बोला कि ऑलमोस्ट 150 meters है यहाँ से. तो मैं जो कल पिज्ज़ा खाया था लगता है कि पूरा पिज्ज़ा हज़म हो जाएगा. मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती है कि अभी तक मैं कोई देख नहीं कार आता हुआ यहाँ पर. अगर आपको आना है यहाँ पर तो वॉक कर क्या ना होगा कि थोड़ी स्टीप हाइक है यहाँ से और यहाँ से व्यू भी जो है बहुत ही ब्रेथ ट्रेकिंग है. और देख सकते हैं ल्यूबलियाना जो है ज़्यादा बड़ा तो ल्यूबलियाना जो देख सकते हैं कि तो ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है. टाउन बोलोगे, विलेज बोलोगे, सिटी है छोटी सी तो पीछे है. और गाइस, आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन. तो फ्री का है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाए क्लिक करना सब्सक्राइब बटन को और जो बेल नोटिफिकेशन बटन है साथ में क्लिक कर देना उसको भी. तो जी मैं ऐसी फिर डालूंगा, विल बी नोटिफाइड. अगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा यहाँ पर कभी आएँ तो इस कासल ज़रूर विज़िट करें कि वहाँ तो मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर. और आपको अच्छा मौसम भी चाहिए. मुझे धूप माइंड नहीं करता पर आज धूप बहुत ज़्यादा रखी है और टेम्परेचर बताया 24 degrees के आसपास है. तो वेरी कर 24-25 degrees वेरी कर रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है. और ऐसे व्यूज़ भी जाएँ बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग है. तो हाई रेकमेंड करूँगा यहाँ आएंगे तो जो विजिट करें इस कासल को. हाँ गाइस, मैं जाके ट्राई किया कि मैं अंदर जा सकूँ अगर कासल के कि नहीं. तो उन्होंने टिकट स्कैन करी, खोज करी इस पर अकाउंट अपने मशीन पे और स्कैन योरी फिर उन्होंने कॉल की अपने ऑफिस में वहाँ चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है. तो जब उन्होंने फिर चेक किया उसके ऊपर बोला कि जब जो एक कार्ड जो होता है ये तो कार्ड इतने ब्लैंक कार्ड होते हैं ये, फिर हम सिस्टम पर टैप करते हैं वो और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उस कार्ड पर अपलोड कर देते हैं. तो जब उन्होंने टैप किया कार्ड उसके ऊपर मशीन पर तो कार्ड काम नहीं कर रहा है और उन्होंने फिर से कॉल किया
तो जब कॉल किया फिर चेक किया, बोला कि जो कंटेंट्स जो होते हैं उसको अपलोड नहीं किया कार्ड पे, तो टेक्निकली वो एक ब्लैंक कार्ड है। तो उन्होंने बोला कि वो परचेज करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं वापस जाऊँ नीचे विजिट सेंटर पे और उनको वापस कार्ड दूँ, फिर वो पैसा चीज़ें जो हैं उस पर अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर वापस ऊपर आऊँ। तो उन्होंने चीज़ बोला मुझे यहाँ पर आने के लिए मुझे चल के नहीं आना होगा, एक फिनिक्यूलर है तो केबल कार है जो ऊपर तक ले आती है यहाँ तक ल्युब्लियाना कासल तक। तो प्लान यही है, वापस नीचे जाऊँगा विजिट सेंटर और फिर कार्ड स्कैन करवाऊँगा और फिर वापस ऊपर आऊँगा। Hey, hi. How are you? Oh, you recently bought that there now. I just need an hour ago and it's not working. Yes. Did they ring you? Yes, they did. I'm sorry. Okay. I told them if it's possible, they write this down and write, nah. 24 hours, 48? How much is 48? 48 is 39 euros. And how much is one day? 31. Do 2 days if you can. Yeah, please. I pay the difference then. Yes, and I would need to the all the receipts so I can. All right, you can send it to us. Yeah. Yes, that's the pay, one. Yeah. There you go. Okay. 39. ना गाइस, अभी वॉक कर रहे हैं फिनिक्यूलर की तरफ जो कि बिल्कुल सामने है। तो बहुत ही स्टीप लग रहा है देखने में यहाँ से,